लैंडफॉल जॉब केस में लालू परिवार समेत सभी 9 आरोपियों को जमानत मिल गई है और दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट से सभी को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर बेल मिली। कोर्ट ने सभी को पासपोर्ट सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं और अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। इस मामले में आज लालू परिवार की दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के लिए कोर्ट में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और मीसा भारती पहुंचे थे। पहली बार इस मामले में कोर्ट की तरफ से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को समन किया गया था। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। जनता समझ चुकी है कि भाजपा किस तरह से राजनीतिक बदले की भावना से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और केस और मुकदमे दर्ज कराती है। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हम न्यायालय में अपना पक्ष रखते हैं और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा और जैसा कि आज मिला है। कोर्ट में पेशी के लिए लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा और रोहिणी के साथ रविवार को पटना से दिल्ली पहुंचे थे। ईडी ने दावा किया कि लैंडफॉल जॉब मामले में मुख्य साजिशकर्ता पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ही हैं। ईडी ने यह दावा 26 सितंबर को दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में किया। नहीं, देखिए, हम लोग को न्यायालय पे पूरा विश्वास है और आप सब लोगों को पता है कि ये भाजपा जिस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग करा करके राजनीतिक षड्यंत्र पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से केस मुकदमे जो कराए जाते हैं, ये अब देश की हर एक जनता समझ चुकी है। डराना, धमकाना, दबाना, हम लोग जो हैं न्यायालय पर पूरा विश्वास है। हम लोग अपने पक्ष को न्यायालय में रखते हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि न्यायालय से हम लोगों को न्याय मिलेगा जैसे आज मिला है। और इस केस कहीं भी दम नहीं है और आगे हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और हम लोगों की जीत तय है। आप सब लोग जानते हैं जो लोग डरपोक होते हैं वो इस तरह का काम, राजनीतिक षड्यंत्र, एजेंसियों का दुरुपयोग वो लोग करते हैं। तो हम लोग जो हैं इसमें कहीं कुछ छुपा नहीं है। जिसको जो गाली देना है गाली दें, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। आप कुछ भी केस बना लोगे लेकिन केस में तो दम है नहीं। तो हम लोग को पूरा विश्वास है आगे अब जो भी मामला होगा उसमें हम लोग जो है अपना अदालत में पक्ष रखेंगे।